सूखे की स्थिति पर चर्चा के लिए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। वहीं आज इसी विषय पर चर्चा के लिए आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने भी प्रधानमंत्री से मुलाकात की। राज्य में सूखे और पानी की समस्या को लेकर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह ने प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद कहा कि प्रधानमंत्री को सबसे ज्यादा चिंता वर्तमान संकट से निकलने के लिए क्या उपाय किए जाएं उसकी है। रमन सिंह ने कहा कि हमने राज्य के लोगों को मनरेगा की मजदूरी को 150 दिन से बढ़ाकर 200 दिन का कर दिया है। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने आज राष्ट्रीय महिला नीति 2016 के मसौदे का प्रारूप जारी किया। इस नीति का मकसद महिलाओं की प्रगति, विकास और सशक्तिकरण सुनिश्चित करना और महिलाओं के साथ हर तरह का भेदभाव समाप्त कर ये सुनिश्चित करना है कि वे जीवन के हर क्षेत्र और गतिविधि में खुलकर भागीदारी करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 और 23 मई को ईरान की आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की ये यात्रा ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर हसन रूहानी के आमंत्रण पर हो रही है। इस दौरे में दोनों देशों के बीच खास तौर पर आधारभूत संरचना, क्षेत्रीय आवागमन, ऊर्जा सहयोग और द्विपक्षीय व्यापार जैसे मुद्दों पर बातचीत होगी। इसके अलावा क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के मुद्दों पर भी चर्चा होगी। पठानकोट आतंकी हमला मामले में इंटरपोल ने आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के सरगना मौलाना मसूद अजहर और उसके भाई अब्दुल रऊफ को रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया है। इस मामले में एजेंसी दो आरोपियों कासिफ जान और शाहिद लतीफ को भी नोटिस जारी करने की प्रक्रिया में है। जम्मू कश्मीर के बारामूला में हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकवादी बिलाल की सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में उस वक्त मौत हो गई जब वह भागते हुए एक खाई में गिर गया और गंभीर रूप से घायल हो गया। सेना और पुलिस के द्वारा चलाए गए एक संयुक्त अभियान में पुंछ जिले में दो आतंकियों को पकड़ लिया गया है। दिल्ली नगर निगम के 13 वार्ड्स में उपचुनाव के नतीजे आ गए हैं। इन चुनावों में आप ने 5, कांग्रेस ने 4 और भाजपा ने 3, जबकि निर्दलीय ने 1 सीट पर जीत दर्ज की। उपचुनाव में कुल 45.90% मतदान हुआ था। गया रोड रेज मामले के आरोपी रॉकी यादव की मां और जेडीयू की पूर्व एमएलसी मनोरमा यादव ने आज सुबह आत्मसमर्पण कर दिया। उन पर अवैध शराब रखने का आरोप है। केस दर्ज होने के बाद मनोरमा फरार हो गई थी। मनोरमा के सरेंडर के बाद उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। वायुसेना प्रमुख बेंगलुरु में स्वदेश निर्मित लड़ाकू विमान तेजस से उड़ान भरी। इस विमान का निर्माण हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कर रही है। इस लड़ाकू विमान को जल्दी ही भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल किया जाएगा। झारखंड में छतरा पुलिस ने पत्रकार इंद्रदेव यादव की हत्या के मामले में एक अन्य व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया। गौरतलब है कि छतरा जिले में गुरुवार को एक स्थानीय चैनल के पत्रकार इंद्रदेव यादव की उस समय गोली मारकर हत्या कर दी गई थी जब वे काम से घर लौट रहे थे। अमेरिका और विश्व शक्तियों ने कहा है कि वो लीबिया में संयुक्त राष्ट्र के समर्थन वाली सरकार को हथियार मुहैया करने के लिए तैयार हैं ताकि वो इस्लामी चरमपंथी समूह इस्लामिक स्टेट से मुकाबला कर सके। अमेरिका के विदेश मंत्री जॉन कैरी ने वियना में हुई एक अहम बैठक में कहा कि हथियारों की आपूर्ति पर संयुक्त राष्ट्र की तरफ से लगाई गई रोक को हटवाने की लीबिया की कोशिशों को समर्थन दिया जाएगा। दक्षिण कोरियाई लेखिका हैन कैंग ने मैन बुकर पुरस्कार जीत लिया है। हैन कैंग को उनकी कृति दी वेजिटेरियन के लिए पुरस्कार से नवाजा गया है। हैन कैंग ने इस कृति का अनुवाद करने वाली देबोरा स्मिथ के साथ पुरस्कार की राशि साझा की। पहलवान सुशील कुमार और नरसिंह यादव के बीच रियो ओलंपिक में जाने को लेकर चल रहा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस मामले पर सुनवाई करते हुए आज दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र और भारतीय कुश्ती संघ को नोटिस जारी किया है। उबर कप बैडमिंटन प्रतियोगिता में भारत ने जर्मनी को एक तरफा मुकाबले में 5-0 से हरा दिया। पहले एकल में भारत की स्टार खिलाड़ी सायना नेहवाल ने फेबियाने डेप्रेस को 29 मिनट में 21-15, 21-10 से हराकर टीम को 1-0 की बढ़त दिलाई। देश के उत्तरी भाग में भीषण गर्मी और लू जारी है। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में कई जगहों पर अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया गया। हालांकि दक्षिण में तमिलनाडु में बारिश के कारण तापमान में गिरावट आई। राजस्थान के बीकानेर में तापमान 46.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हालांकि अजमेर, जयपुर और चित्तौड़गढ़ के इलाकों में हल्की बारिश हुई। मौसम विभाग ने अगले 5 दिन में दिल्ली सहित उत्तर और मध्य भारत के और भागों में भीषण गर्मी पड़ने का अनुमान व्यक्त किया है।